Good job. इलाज हे द्यायचा इलाज घाल ते औषध तिला औषध घाल गाय सुंदर है आपकी गोवा में गिर का गौपालन हो रहा है अब से हमको ये चाहिए साहिवाल चाहिए दो गाय साहिवाल साहिवाल चाहिए आपका साहिवाल भी फेवरेट है आपकी हाँ साहिवाल तो बहुत सुंदर गाय है हाँ ये विष्णु का रिजल्ट बाइफ विष्णु हाँ और कौन से बुल्स की बेटी है आपके पास बीके अय्यर जी के ये राज का एक बेटा है राजा हाउस करके ये है राजा हाउस करके इसकी है ये है पूनम बीके अय्यर जी के बुल पूनम की बेटी प्यार करने वाली गाय है ये काफी और ये तो ये और ये दोनों बहनें हैं मां के साइड से मदर साइड से ये पूनम की बेटी है और ये वाली ये राज का एक बेटा है राजा हाउस करके ओके राजहंस हाँ 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 और एवरेज मिल्क कितना दे देती हैं आपके घर में नॉर्मली 7 लीटर तक है 7 लीटर 14 लीटर दे रही है बड़ी है हाँ और ये गाय ये शाम की बेटी करके लिया था मैंने ओके और जीएलडीबी शाम हाँ भरवाड़ से लिया था इसने अच्छा मिल्क दिया मुझे अच्छा मिल्क इसका 3 महीना तो एक टाइम का 6.5-7 लीटर देती थी हाँ हाँ और अभी उसका थोड़ा सा प्रेग्नेंट लेट हो गई है ओके 8-9 महीने के बाद ओके लेकिन अभी भी 14 महीने के बाद भी उसका 3 लीटर दूध चल रहा है तो वो इसका एक ही प्रॉब्लम है ये बॉडी नहीं बना रही है बॉडी सर दूध दे रही है ना वो सिर्फ उसे उधर जा रहा है अभी इतना लंबे समय से दूध दे रही है ना आपको जी जी। तो बॉडी नहीं बनाएगी जब ये ड्राई होगी तब जाके बॉडी पे फैट आएगा इसमें आप क्या बना रहे हैं कुछ हाँ छोटी छोटी मोटी बातें बस एक मंदिर से लाई थी मुंगी माँ मंदिर ओके बहुत पुराने ये जो आप बता रहे थे बीपी ब्लड लाइन से बिलोंग कर दिए इसकी बेटी बीपी ब्लड लाइन ओके ओके ये देखिए पूनम जहाँ भी जाऊंगा पूनम मेरे पीछे पीछे ही आने वाली है पूनम अच्छी मेहनत कर रहे हैं आप नेक्स्ट जनरेशन आपके घर में और भी सुपीरियर आने वाली है सब पहला खरीद के लाया और इधर से उधर सिर्फ लाया है हाँ बना मतलब गुजरात में है आप सिर्फ एक बार अगली नेक्स्ट जनरेशन तैयार करने के लिए इनको लेके आए लेकिन बुल तो गुजरात का ही था हाँ उधर ही प्रेग्नेंट हाँ सर गिर पे काम करना तो गुजरात से तो अलग हम हो ही नहीं सकते साहिवाल पे काम करना है तो राजस्थान से या पंजाब से अलग नहीं हो सकते मूरा पे काम करना है तो हरियाणा से अलग नहीं हो सकते हम ये बुल के बारे में थोड़ी डिटेल दीजिए मंदिर की गाय थी ओके मंदिर में उसकी माँ थी उधर उधर से वो एक अमृत वेल करके एक मंदिर है ओके भोजल भगवती जी तो उधर आई थी उनसे उसकी बेटी जिग्नेश भाई ने ली उसका बछड़ा आई ठीक है एग्रेसिव है या शांत है ये शांत बहुत ही शांत कितनी एज है सर इसकी इसकी 2 साल से ऊपर ढाई साल के आसपास क्रॉसिंग करने लगा ये हाँ जंप कर रहा है एक गाय प्रेग्नेंट है उसके ओके शायद एक दो भी हो सकती है ओके कंफर्म नहीं है लेकिन एक तो पक्का है बुल तो अच्छा है कैरेक्टर वाइज काफी मतलब पूरे हर्ड में से हाँ लेकिन देखेंगे अभी ग्रोथ बाकी है ना अभी पूरे हर्ड में से थोड़ा डिफरेंट है ये खाने में क्या देते हैं सर यहाँ पे गोवा में मतलब क्या चीजें ऐसी है जो अवेलेबल हो जाती है हाँ नेपियर खिलाते हैं ओके और अभी तो मेरा ग्रेजिंग के लिए जाता था इतना दिन तक ओके अप टू दिसंबर ओके अभी थोड़ा सा ग्रेजिंग ग्रास कम हुआ है ओके तो अभी इधर का नेपियर और थोड़ा सूखा ओके जो नॉर्मली ज्वार का जो कड़वी आती है वो राइस का स्ट्रॉ हाँ अच्छा ये आपके यहाँ पे अवेलेबल हो जाता है ठीक है ज्वार की ये जो महाराष्ट्र से कर्नाटक महाराष्ट्र से जी दोनों मिक्स करके कभी कभी थोड़ा दिन ये थोड़ा दिन वो ऐसा करके चलाता तो गिर गाय क्यों आपकी गोवा की लोकल ब्रीड क्यों नहीं कोई
लोकल ब्रीड गोवा की क्या है, वही ना हमारे इधर दूध नहीं है, हमको थोड़ा सा दूध तैयार करने का है तो लोकल ब्रीड दूध कम देती है, अपनी ऐसी एक्चुअली लोकल ब्रीड है ही नहीं। ओके, नॉन डिस्क्रिप्ट जो सब घूमते हैं ना रास्ते। ओके ओके, अपनी इधर का एक कोंकण में कोंकण गिड्डा करके है, उसका एक लीटर टाइम का रहता है। ओके, तो उसमें सर्वाइव नहीं कर सकता, सर्वाइव करना मुश्किल है। तो सर यहाँ पे एचएफ और जर्सी का क्या हाल है? इधर सब क्रॉस ब्रीड में ही काम चलता है, हमारे जैसे तीन या चार लोग रहेंगे जो ओके अभी देसी पे हम आए हैं, बाकी सब लोग सब क्रॉस ब्रीड में। क्रॉस ब्रीड ब्रीड इधर नहीं चलती बिकॉज ऑफ ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर। हाँ, यहाँ पे अभी मैं खड़ा हूँ तो मेरे को पता है कि मैं कैसे खड़ा हूँ, मेरे लिए तो थोड़ा टफ हो रहा है, इस धूप को झेलना। एक्चुअली आया अभी पंजाब से आया और वहाँ पे टेम्परेचर 10 के करीब 8 के करीब और यहाँ पे आके 32-33 पे चला गया, तो उसका भी और वो भी है अभी ठीक है। हाँ, ऐसा जैसा अभी मार्च अप्रैल मई आएगा जी, ह्यूमिडिटी बढ़ने वाली है, टेम्परेचर भी बढ़ने वाला है। तो इनको गायों को कोई प्रॉब्लम होती है? अभी एक साल निकाला कुछ प्रॉब्लम नहीं, लेकिन क्या होता है ना, बड़ी गाय जब गुजरात से आते सेट करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है सेट होने में। ओके, बछड़िया कंपेरेटिवली जल्दी सेट हो जाती है। और बछड़िया कौन से बुल्स की ले लिया आपने आगे? बछड़िया एक राज मैं यूज कर रहा हूँ, इसका एबीएस का। ओके, एक्चुअली लेने का तो बहुत सारा है लेकिन फर्स्ट जनरेशन जब तैयार होगा। हाँ, इधर मेरे उस पे अच्छा बुल यूज करने का जो गुजरात में जो आप नॉर्मली जो रिकमेंड करते हैं ढोले जो है। हाँ जी, जो अच्छे अच्छे बुल है। मैं थोड़ा प्रूवन की तरफ ज्यादा जाने की कोशिश करता हूँ। एकदम एग्जैक्टली, तो आप तो गुरु है हमारे। नहीं नहीं अरे सर, गुरु नहीं है। तो अच्छे बुल यूज करने का है जी, तैयार करने का है जी। दूध के बिना गाय मतलब हम तो लोग संभाल सकेंगे क्योंकि हमारा, लेकिन अगर गाय पे आपके पास सोर्सेज है, तो दूध के बिना पॉसिबल नहीं, नहीं है। दूध चाहिए। हाँ, दूध चाहिए, दूध चाहिए और इम्यूनिटी चाहिए। हाँ, दो चीज चाहिए हमारे क्लाइमेट में सर्वाइव होने के लिए, इम्यूनिटी इज अ मस्ट। पर वैसे आपने बड़ा अच्छे से अपनी गायों को रखा हुआ है, इधर मैं देख रहा हूँ ना, एक तो ग्रीनरी बहुत है, कोशिश कर रहा हूँ, ग्रीनरी बहुत अच्छी है, साफ सुथरी गाय है। मेरा अभी नेक्स्ट टारगेट यही है, इनको पूरा 12 महीने खुला रखना, ग्रेजिंग पे रखना, ग्राउंड तैयार करो, ग्रेजिंग ग्राउंड तैयार। ओके, 50,000 जंगल भी तो है ना आपके पास, जंगल का बेनिफिट है, जंगल है, जाएंगे जंगल में, जाएंगे ग्रेजिंग ग्राउंड में जाएंगे। ओके, उधर जो घास आता है वो खाएंगे। बहुत अच्छा जी, उससे क्या है कि ये दूध चाहे 2 लीटर कम दे दे, बट आप लोगों की कॉस्टिंग बहुत कट हो जाती है, कट जाती है, हैप्पी रहते हैं। हाँ, ये खुश रहती है। अभी ये इधर बंद होके पड़े, बाहर छोड़ने के बाद जो मजाक सची छोड़िए, लेकिन सची वो जो ये करते हैं ना, उनका उनको देखने का एक उनका जो एटीट्यूड रहता है ना, घूमने बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जस्ट मतलब पैसा वसूल होता है। हाँ हाँ, मतलब आप प्रेम से रखते हैं, आप कौन सा इनको कमाई के लिए रख रहे हैं, आप तो एक शौक अपना पूरा कर रहे हैं। तो दोस्तों, बात हमारी हो रही है मिस्टर प्रीतम पाटिल गोवा से, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, गायों से प्रेम करते हैं इसलिए अपने पास गाय रखी है इन्होंने, इनको अच्छी लगती है गाय, और जो इन्होंने हर्ड अपना तैयार किया है और जो इनका रख रखाव है वो भी बहुत अच्छा है। तो ऐसी कुछ छोटी छोटी वीडियोस और लेते आऊँगा जिनमें आपको मैं अलग अलग गऊ पालकों से मिलवाता रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, चैनल के साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें।